हेलो फ्रेंड्स, इस वाले वीडियो हम लोगों ने ये किया है कि काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन था कि यार 50 mm से नाइट में हम कैनन 200D के ऊपर प्रोफेशनल तरीके से फोटोग्राफी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो हाँ गाइस, बेसिकली आप आराम से कर सकते हो। इसके लिए आपको जो है एक ट्राईपोड और कैमरा LED लाइट की ज़रूरत पड़ेगी। बेसिकली ऐसी ऐसी तस्वीरें हम जो है कैनन 200D की मदद से खींच सकते हैं जो आपके सामने शो हो रही है। ये तस्वीरें मैंने इसी वीडियो में क्लिक की है, तो आइए देखते हैं। इसके लिए आपको ज़रूरत देखिए, वैसे एक बार और बता देता हूँ आपको मैं, ट्राईपोड, कैमरा और LED लाइट, ये तीन चीज़ें अगर आपके पास है तो ऐसी तस्वीरें आप क्लिक कर पाएंगे कैनन 200D से। जो झमेला कर रखा है वो ऐसा है कुछ कि ये जो हमारे मॉडल है ये मेरे खुद के भाई है, जैसे कि आप अनमित कौशिक के ऊपर इनको देख रहे होंगे। उसके बाद एक जो LED लाइट है मैंने इनके जो है फेस के ऊपर यहाँ से डायरेक्ट लगाई है, और बैक साइड में एक ऐसे लाइट लगा रखी है मैंने, ऐसे पीछे से ऐसे किरणें आएंगे जिससे बेसिकली अच्छा इफेक्ट क्रिएट होगा। तो अभी इस तस्वीर को हम क्लिक करते हैं, तो बेसिकली इस पिक्चर को क्लिक करने के लिए ये जो मेरी पोर्ट्रा लाइट है जो मैंने वीडियो बनाने के लिए लगा रखी है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। ये हमारी पहली तस्वीर है, तो यहाँ पर हम सेटिंग ये रखेंगे कि 1:8 की शटर स्पीड रखेंगे, 2.8 इसका एपरेचर रखेंगे और 400 ISO रखेंगे, तो ऐसी तस्वीर आएगी। मैंने यहाँ पर काफ़ी सारी तस्वीरें क्लिक की जिनमें से इस तस्वीर को मैंने एडिट करने के लिए सेलेक्ट किया है। बेसिकली आप कैनन 200D के ऊपर इस वाली सेटिंग से ऐसी तस्वीरें क्लिक कर पाएंगे। देखो, इस वाली तस्वीर को हमने क्लिक करने के लिए क्या किया है कि यहाँ पर कई सारे जुगाड़ लगाए, जिनमें हमने क्या किया है, हमारे पास तीन फ़ोन है, तो बेसिकली हमने तीनों ही फ़ोन में जो है रेड बैकग्राउंड या फिर रेड वॉलपेपर लगा दिया। उस रेड वॉलपेपर को एक को तो हमने इस फ़ोन को इधर रख दिया इसके पैर के ऊपर, और एक को इधर ऐसे जस्ट इस गर्दन के ऊपर रेड टोन देने के लिए लगा दिया है फ़ोन को। और जो हमारी मेन लाइट है, जो LED लाइट है, उसको हमने ऐसे बैकग्राउंड में लगा दिया ताकि थोड़ी सी बैकग्राउंड में भी लाइट रहे और बैकग्राउंड में नॉइस नहीं आए। और नीचे की साइड से इस लाइट को हमने जो है दिया है ताकि गर्दन के नीचे शेडोज कम हो पाए। तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट निकल कर आता है इन फोटोज़ में, वो ऐसा निकल कर आता है। मैंने इन पिक्चर्स को एडिट करने के लिए Adobe Lightroom का यूज़ किया है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हो बिना एडिट की हुई है, इसके आगे वाले भी बिना एडिट की हुई है। अगर इस वाले वीडियो से आपको कोई भी हेल्प हुई तो यार इस वाले वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें।